नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है हिक्स हैंसन द्वारा प्रतिपादित ISLM मॉडल की विवेचना करना, जिसे हम ब्याज का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत वास्तव में सामान्य संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब सामान्य संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में जब वस्तु बाजार में संतुलन और मुद्रा बाजार में संतुलन दोनों जब एक साथ हो जाता है, तो वहां पर ब्याज की दर और राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो जाता है। अर्थात ये दो बाजार, वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार, दोनों बाजारों को एक साथ लेकर के चलता है। इसीलिए इसे सामान्य संतुलन सिद्धांत की संज्ञा भी हम दे सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी मॉडल का स्टडी किया, या तो वो वस्तु बाजार से रिलेटेड थे या तो वो मुद्रा बाजार से रिलेटेड थे। जैसे किंस द्वारा डेवलप थ्योरी मुद्रा बाजार से रिलेटेड थी, वही क्लासिकल थ्योरी वस्तु बाजार से रिलेटेड थी। इसमें हिक्स हैंसन ने पहली बार 1937 को, पहले हिक्स ने इसे डेवलप किया, बाद में 1970 में इसे हैंसन द्वारा आगे बढ़ाया गया। तो इस सिद्धांत में वस्तु बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों को एक साथ लेकर के बात कही गई। वस्तु बाजार वो बाजार होता है जहां पर अर्थव्यवस्था में निवेश तथा बचत दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। जब अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश एक दूसरे के बराबर होती है, तो इसे हम कहेंगे वस्तु बाजार में संतुलन। वही मुद्रा बाजार में संतुलन का तात्पर्य है, जब मुद्रा की मांग यानी लिक्विडिटी डिमांड मुद्रा के पूर्ति के बराबर हो। तो अर्थात अर्थव्यवस्था में जहां पर L=M हो, तो जब ये मुद्रा बाजार में संतुलन है, ये आपका वस्तु बाजार में संतुलन है, जब दोनों बाजार एक साथ संतुलन में होते हैं, तो I=S=L=M ये आपका पोर्शन वस्तु बाजार को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका पोर्शन मुद्रा बाजार को रिप्रेजेंट करता है। तो जब दोनों बाजार एक साथ संतुलन में होते हैं, तो इसे हम ब्याज का आधुनिक सिद्धांत या सामान्य संतुलन के अंतर्गत ब्याज का सिद्धांत कह सकते हैं। तो आइए इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। इसके दो पार्ट हम बनाएंगे। प्रथम पार्ट में जो आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत केवल थ्योरेटिकल पोर्शन का आप अध्ययन कर पाएंगे, जिससे आप UGC नेट में काफी अधिक हेल्प मिलेगी। लेकिन मैथमेटिकल मॉडल जो इसका दूसरा पार्ट है, और ये अधिकतर मैथमेटिकल स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो इन फ्यूचर में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बट ये थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस पर पहले कार्य कर रहे हैं। ISLM मॉडल, IS यानी वस्तु बाजार, कमोडिटी मार्केट और मुद्रा बाजार, याद रखना होगा वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार। जब अर्थव्यवस्था में वस्तु बाजार तथा मुद्रा बाजार एक साथ संतुलन में होता है, तो इसे हम सामान्य संतुलन की संज्ञा देते हैं और इसे हिक्स हैंसन ने डेवलप किया था। आय एवं ब्याज दर का निर्धारण, चाहे नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत दो चीजें डिटरमिनेशन होंगी। पहले तो आपकी होगी नेशनल इनकम, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है नेशनल इनकम, और दूसरा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण हिक्स हैंसन द्वारा समन्वय सिद्धांत। समन्वय का मतलब जब अर्थव्यवस्था में एक साथ बैलेंस हो जाए, तो उसे समन्वय सिद्धांत या सामान्य संतुलन सिद्धांत कहते हैं। लेकिन जब एक बाजार में संतुलन होता, मान लीजिए वस्तु बाजार में I=S हो जाए, तो इसे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम कहेंगे, आंशिक संतुलन। लेकिन जब वस्तु बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों में एक साथ संतुलन हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य संतुलन सिद्धांत, जिसे समन्वय सिद्धांत के नाम से हम यहां देख सकते हैं। सामान्य संतुलन विश्लेषण की धारणा को प्रेजेंट किया गया। वस्तु बाजार में संतुलन I=S होता है जब अर्थव्यवस्था में निवेश तथा बचत दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में वस्तु बाजार में संतुलन स्थापित हो गया है। साथ ही यदि मुद्रा बाजार में संतुलन, जिसे हम LM कहते हैं, डिमांड ऑफ लिक्विडिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी, जहां पर मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है,
वहां पर हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार भी संतुलन में है। दोनों मॉडल, दोनों यानी वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार, यानी आईएस और एलएम, जहां पर दोनों संतुलन में हो जाते हैं उसे ही हम सामान्य संतुलन की संज्ञा देते हैं। आईएस और एलएम मॉडल ब्याज व आय, हमने बताया कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और नेशनल इनकम क्या होगी, यानी ये नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट, ये लास्ट में जो डिटरमिनेशन करता है वो नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटरमिनेशन करता है। निर्धारण का एक श्रेष्ठ मॉडल है तथा ये मॉडल मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियों को समझाने में सफल रहा। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीति दो चीजें होती है। मौद्रिक नीति यानी आपका जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति जहां पर बराबर हो जाती है ये आपकी नीति जो है ये मौद्रिक नीति होगी। ओके, जब अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है इसे हम वित्तीय नीति कहते हैं। वित्तीय नीति यानी जब हमारी वित्तीय नीति और मौद्रिक नीति के बीच सामंजस्य बैठ जाता है, जब अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति के बीच सामंजस्य बैठ जाता है यानी अर्थव्यवस्था में जो हम टारगेट लेकर के चलते हैं वो पूरा हो जाता है, अर्थात जब दोनों पॉलिसी एक साथ मैच कर जाती है तो अर्थव्यवस्था का विकास सिक्योर हो जाता है। इस प्रकार ये दो नीतियों को लेकर के एक साथ कार्य करता है, मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति। वित्तीय नीति के अंतर्गत निवेश पॉलिसी, बचत पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी आदि पॉलिसी आती है। ओके, तो इस प्रकार यानी इसमें एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसीज होती है और इसमें मॉनेटरी पॉलिसीज होती है। जब अर्थव्यवस्था में टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ इंक्लूड हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में सामान्य संतुलन होना अनिवार्य हो जाता। इस प्रकार ये एक प्रकार का अत्यंत डेवलप मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल होगा। मैक्रो यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन करने वाला मॉडल होगा और अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्रों को एक साथ संतुलन करने की बात करता है। ओके, तो इस प्रकार अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो दो सेक्टर को एक साथ इक्विलिब्रियम की बात करता है यानी वित्तीय सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर, तो आप बोलेंगे आईएस एलएम मॉडल। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं जो आई होता है ये ब्याज की दर का फलन होता है और ब्याज की दर से निगेटिव रिलेटेड होता है। आपको पता होगा कि यदि ब्याज की दर ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, यदि ब्याज की दर कम होगी तो इन्वेस्टमेंट अधिक होगा। दूसरा बचत, इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ आर, ये भी ब्याज की दर का फलन है। अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर ज्यादा होगी तो सेविंग ज्यादा होगी, ब्याज की दर कम होगी तो सेविंग कम होगी। ओके, तीसरी चीज क्या होती है, इन्वेस्टमेंट भी आय का ही फलन है। यदि अर्थव्यवस्था में किसी राष्ट्र की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वहां का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, अर्थात इसके बीच में तो निगेटिव रिलेशनशिप है, इसके बीच में भी निगेटिव है बट यहां पर इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव कोरिलेशनशिप पाया गया। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स हैं, सेविंग के कंपोनेंट्स हैं और इन्वेस्टमेंट के अदर कंपोनेंट्स हैं उन पर डिस्कशन हम कर लिए। तो आइए हम देखते हैं वस्तु बाजार में संतुलन किस प्रकार से होता है, फिर हम देखेंगे मुद्रा बाजार में संतुलन किस प्रकार से होता, फिर हम देखेंगे दोनों बाजार में संतुलन किस प्रकार से होता और संतुलित ब्याज की दर तथा राष्ट्रीय आय क्या होगी। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम इन कमोडिटी मार्केट यानी अर्थव्यवस्था में आई इक्वल टू एस कैसे पाया। हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि जो निवेश होता है वो ब्याज की दर का ऋणात्मक फलन होता है, अर्थात ब्याज की दर ज्यादा होगी तो निवेश कम होगा, ब्याज की दर कम होगी तो निवेश ज्यादा होगा। उसी प्रकार बचत भी ब्याज की दर का ऋणात्मक फलन है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में यदि किसी देश की आय बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप निवेश भी बढ़ेगा, आप ये जानते हो। यदि देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, मेरी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, दैट हैव द पॉजिटिव कोरिलेशन विद द इनकम। हम यहाँ पर दो डायग्राम लिए हैं, फर्स्ट पार्ट हम दोनों को इक्विलिब्रियम करते हैं आई एस आई और एस को,
और दूसरे डायग्राम में देखते हैं कि आई और एस का रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या कोरिलेशन है। ओके, तो पहला ए डायग्राम में आई और एस का वाई के साथ हम क्या रिलेशनशिप है, इससे एक इक्विलिब्रियम निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने लंब अक्ष पर ओ वाई लंब अक्ष पर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आधार अक्ष पर हमने आई और एस यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को लिया है, और दूसरे डायग्राम में लंब अक्ष पर वही ब्याज की दर तथा आधार अक्ष पर आई तथा एस शेड्यूल्स को लिया गया है। फर्स्ट, दिस इज माय नेगेटिव स्लोप में, ये मेरी इन्वेस्टमेंट लाइन है। ओके, और ये अर्थव्यवस्था में बचत लाइन है जो आय पर निर्भर करती है, यानी मेरी आय पर निर्भर करती है, यानी देश की राष्ट्रीय आय पर वहां की बचत डिपेंड करती है। दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप, ये देखिए आपकी है पॉजिटिव स्लोप, और आप ये देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की है निगेटिव स्लोप, यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है निगेटिव कोरिलेटेड है, और सेविंग्स होती है दैट हैव द पॉजिटिव कोरिलेशन विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो आपकी रेखा है सेविंग्स रेखा, ये सेविंग रेखा है, ये सेविंग रेखा इन्वेस्टमेंट लाइन के साथ ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो जाती है, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो जाती है जहां पर संतुलित ब्याज की दर हमें ओ आर प्राप्त होता है इस पॉइंट पर। ओके, इस पॉइंट पर हमें संतुलित ब्याज की दर प्राप्त होती है, और यदि हम इसको आधार अक्ष से मिला दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था में निवेश तथा बचत इतनी होगी, यानी ओ आई एस वन होगी और इक्विलिब्रियम पॉइंट ई रहेगा। इसी लाइन को यदि मैं आगे बढ़ा दूं, यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूं, जब आगे बढ़ा देता हूं तो इस ब्याज दर पर आई और एस शेड्यूल मुझे प्राप्त हो जाता है, आई एस वन शेड्यूल प्राप्त हो जाता है, ए पॉइंट पर टच करता है, अर्थात इस ब्याज दर पर अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश इतना होगा जो कि इसके बराबर है इस पोर्शन। क्लियर है? तो अर्थव्यवस्था में इस आय पर इतनी बचत है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर ओ आर है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि आई और एस को जब हम ब्याज की दर की रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो आई एस रेखा को ए पॉइंट पर कट करता है और नीचे हम लंब डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में इतना बचत और निवेश कार्य कर रहा है। क्लियर है? ये आपका बचत और निवेश है, इतना पोर्शन है जो इस पोर्शन के बराबर है। अर्थव्यवस्था में यदि लोगों की आय बढ़ती यानी नेशनल इनकम बढ़ेगी, जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, जब बचत बढ़ेगी तो बचत बढ़ने के परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आईएस और आईएस इंप्रूव होगा, यानी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट सेविंग इंप्रूव होंगे। भाई जब ब्याज की दर कम होगी तो उससे लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश करना पसंद करेंगे। तो यहां पर मैंने देखा कि हम अभी तक ई पॉइंट पर थे, और जब अर्थव्यवस्था में लोगों की आय ओ वाई वन से बढ़कर वाई वन से बढ़कर के वाई टू हो जाती है, जब राष्ट्रीय आय बढ़कर के वाई वन से बढ़कर के वाई टू हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप बचत भी है वो बढ़कर के कितनी हो जाती है, एस वन से एस टू हो जाती है। देखिए बचत इंप्रूव हो गई, हो गई। Thus we are come at new equilibrium point that is E1 equilibrium point, जहां पर ये देखिए निवेश रेखा तो पहले से है, ये बचत रेखा है जो आय के संदर्भित है, आय से जुड़ी हुई है, आय बढ़ी तो बचत बढ़ गई जिससे नया equilibrium point E1 प्राप्त हुआ, और ब्याज की दर घट करके OR1 हो जाती है। जब ब्याज की दर घट करके OR1 हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं आईएस शेड्यूल में देखते हैं कि आईएस शेड्यूल में वी आर कम एट बी पॉइंट, और यहाँ पर देखिए आईएस वन था अभी तक, अब हो जाता आईएस टू हो जाता। देखिए अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश की एक्टिविटी इंप्रूव हो गई बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ, अर्थव्यवस्था में जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप बचतें बढ़ जाती हैं, बचतें बढ़ने से नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ईवन आ जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ब्याज की दर कम हो जाती है, ब्याज की दर कम होने से बचत तथा निवेश शेड्यूल बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है, और हम यहां तक आ जाते हैं। पहले हम यहां पर थे, ओके आई इक्वल टू एस, अब यहां पर आई इक्वल टू एस वन हो जाएगा। क्लियर है? अब हम
इसी प्रकार की प्रक्रिया कंटिन्यू करते जाते हैं। अर्थव्यवस्था में आय बढ़कर के OY2 हो गई, बचत बढ़कर के OY S2 हो गई, न्यूक्लियम फंड E1 हो गया, ब्याज की दर R1 हो गया और हम यहाँ पर आ गए बी पॉइंट पर आ गए। पुनः हमारी इनकम बढ़कर के Y3 हो जाती है, इनकम इंप्रूव हुई जिससे मेरी बचत इंप्रूव हुई और S3 हो गई जिससे मैं नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पर आ गया। अब ब्याज की दर और कम हो गई, ब्याज की दर कम होकर के R2 हो जाती है, OR2 हो जाती है जिससे क्या होता है बचत तथा निवेश और अधिक इंप्रूव होते हैं। देखिए बचत और निवेश इंप्रूव हो गए और हम सी पॉइंट पर आ जाते हैं। इसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और बढ़ जाती है Y4 हो जाती है, देखिए नेशनल इनकम और बढ़ गई जिसके कारण लोगों की बचाने की क्षमता और बढ़ गई, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 आ जाता है। हमारे पास जो क्या थी ब्याज की दर घट करके OR3 आ जाती है जिसके परिणाम से देखिए अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश शेड्यूल यानी हम डी पॉइंट पर आ जाते हैं और डी पॉइंट पर आने के परिणाम स्वरूप देखिए बचत तथा निवेश यानी IS4 पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि IS वक्र दैट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो IS का मान कम होगा और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो IS का मान ज्यादा होगा। ओके, तो इस प्रकार IS वक्र हमें अर्थात वस्तु बाजार में संतुलन हमें मिल जाता है और वस्तु बाजार में संतुलन हमें यह बताता है कि यह ब्याज की दर का ऋणात्मक फलन है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु बाजार में कैसे रिलेशनशिप होते हैं और IS वक्र का जन्म कैसे होता है। अब आइए हम देखते हैं मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार वो बाजार होता है जहां पर मुद्रा की मांग यानी लिक्विडिटी डिमांड L मुद्रा की पूर्ति के बराबर है, M से मुद्रा की पूर्ति को और याद रखना मुद्रा की पूर्ति ब्याज की दर का फलन नहीं है। अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है इंडिपेंडेंट रूप से मुद्रा की पूर्ति कर देता है इसलिए ब्याज की दर का फलन नहीं है, बट लिक्विडिटी डिमांड ये दैट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ब्याज की दर का फलन है। अगर ब्याज की दर का ज्यादा मान होगा तो लिक्विडिटी ये लिक्विडिटी डिमांड ज्यादा होगी तो ब्याज की दर बढ़ जाएगी। दूसरी चीज क्या होती है लिक्विडिटी की डिमांड That is also function of income. अगर अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो नेशनल लिक्विडिटी डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी यानी और अगर नेशनल इनकम कम होगी तो लिक्विडिटी की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मुद्रा बाजार में संतुलन जहां पर लिक्विडिटी की डिमांड तथा लिक्विडिटी की पूर्ति बराबर हो जाती है। रेखा चित्र में यहाँ पर भी हमने दो पार्ट लिए हैं, एक ए पार्ट है जिसमें हम L और M के बीच का संतुलन करेंगे, दूसरा LM शेड्यूल के विषय में जानेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में ये मुद्रा की पूर्ति रेखा जो एक लाइन के रूप में आपको ये दिख रही होगी ये पूरी मुद्रा की पूर्ति है दैट इज पैरेलल टू द लंब अक्ष के, ये पैरेलल है और ये इसे हम MS के रूप में दिखा सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं सप्लाई ऑफ मनी, ये सप्लाई ऑफ मनी दैट इज पैरेलल टू द Y एक्सिस, मतलब कि ये ब्याज की दर का फलन नहीं है, ये ब्याज की दर हम देखिए इधर लिए हैं। ओके, अब क्या होता है अर्थव्यवस्था में अगर आपकी इनकम कुछ है Y1 मान लीजिए तो आपकी लिक्विडिटी डिमांड L1 होगी। मान लीजिए मेरे पास 1,000 रुपए है, मैं 200 रुपए बचाता हूँ, जब मेरी इनकम 5,000 हो जाएगी तो मैं हो सकता है 500 रुपए अपने पॉकेट में रखूंगा, कुछ लिक्विड अपने पास मनी रखूंगा नहीं रखूंगा। तो ये मेरी आपके पास इनकम है, ये आय है और उसके अनुसार ये लिक्विडिटी की डिमांड है। अब देखिए ये मुद्रा पूर्ति को मुद्रा ये मांग है जहां पर कट करती है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है और ब्याज की दर हो जाती है आपकी R1। इस रेखा को आप यहां पर देखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति कितनी हो जाती है इतनी, अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कितनी है OR1 और इक्विलिब्रियम पॉइंट E से इसके बाद ये रेखा को आप आगे बढ़ा दो, आगे आप जब बढ़ाओगे तो अर्थव्यवस्था मुझे संतुलन मिलेगा E1 पॉइंट। ओके, E1 पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा और अर्थव्यवस्था में LM1 रहेगा। ओके, जब अर्थव्यवस्था में लोगों की आय बढ़ करके OY2 हो जाती है यानी राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है, जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो लिक्विडिटी की डिमांड भी बढ़ करके OL ये आपकी देखिए L1 से L2 हो जाएगी,
जिससे ये दाहिनी ओर हमारा ये रेखा जो लिक्विडिटी डिमांड की रेखा ऊपर की ओर मूव करेगी। 10 वीक कम एट देखिए यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति रेखा और ये मांग रेखा दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका हो जाएगा E2 और ब्याज की दर हो जाएगी OR2 और देखिए ब्याज की दर पहले से बढ़ जाती है। जब ब्याज की दर बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में इस रेखा को हमने आगे बढ़ाया तो OR1 ब्याज की दर पर डिमांड और LM जो था इतना था, अब ब्याज की दर बढ़ जाती है तो OR2 हो जाती है और हमारे पास LM2 हो जाता है और हम आ जाते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट E2। ठीक है, अब हम अर्थव्यवस्था में इसी प्रकार ये आपका Y1, ये आपका L1, ये आपका Y2, ये आपका L2, ये आपका Y3, ये आपका L3। ओके, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, इक्विलिब्रियम पॉइंट E2, इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 देखिए कंटिन्यू इंप्रूव होता चला जाता है, ब्याज की दर भी कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है और अर्थव्यवस्था में हम ये देखते हैं कि हमारे LM रेखा भी ऐसे प्राप्त हो जाती है, LM रेखा है। अब एक प्रश्न उठता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है मुद्रा की मांग बढ़ती जाती है जिससे हम संतुलन बिंदु E1 से E2 से E3 आते जाते हैं जिससे LM रेखा पॉजिटिव स्लोप की हमें प्राप्त होती है। लेकिन एक विशेष ध्यान देने वाली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, LM रेखा जो है पहले तो इसकी ढाल क्या होती है, शून्य। स्लोप LM की स्लोप पहले 0, याद रखना। IAS में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, UGC में पूछा गया कि IAS रेखा की ढाल तो निगेटिव होती है बट LM रेखा की ढाल 3 प्रकार की होती है, पहले LM की स्लोप 0, फिर LM की स्लोप धनात्मक, LM पॉजिटिव, याद रखना, और फिर LM का जो स्लोप है वो इनफाइनाइट होगा। तो अर्थव्यवस्था में यहां पर LM परफेक्ट इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक है, इलास्टिसिटी के संदर्भ में यहां पर पॉजिटिव इलास्टिसिटी है यानी इकाई के बराबर है और यहां पर क्या हो जाता है, इन इलास्टिक हो जाता है, परफेक्ट इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, ये याद आप याद रखना। तो LM रेखा 3 प्रकार की ढाल वाला होता है, पहला आपका शून्य स्लोप, फिर पॉजिटिव स्लोप और फिर इनफाइनाइट स्लोप। तो LM रेखा 1, 2 और 3 ये 3 ढाल का होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में ये आपका लिक्विडिटी ट्रैप है, ये आपका पॉजिटिव है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से, क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण दिखा रहा और ये एक लेवल के बाद ये पैरेलल हो जाता है, इनइलास्टिक हो जाता है, तो इसलिए LM रेखा 3 ढाल का पाया जाता है। चलिए अब हम अभी तक तो हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात की, देखिए ये पार्शियल इक्विलिब्रियम था क्योंकि हमने केवल मनी मार्केट डिस्कस किया, तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम था मनी मार्केट का, इसके पूर्व हमने डिस्कस किया वस्तु बाजार का, तो ये था हमारा IAS था। अब एक काम करते हैं, दोनों बाजार को एक साथ करते हैं तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, सामान्य संतुलन जनरल इक्विलिब्रियम, यानी जब दोनों बाजार वस्तु बाजार तथा मुद्रा बाजार एक साथ संतुलन में होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था में सामान्य संतुलन। तो देखिए जब वस्तु बाजार IAS और LM दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उसे हम सामान्य संतुलन की संज्ञा देते हैं। यहां पर आधार अक्ष पर हमने क्या लिया, आधार अक्ष पर हमने नेशनल इनकम ले लिया और लंब अक्ष पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अर्थव्यवस्था में जब ये देखे IAS रेखा दैट हैव द नेगेटिव स्लोप अभी हमने किया और हमने LM का ये जो इनइलास्टिक पार्ट था इसको हमने छोड़ दिया, ये पार्ट और ये पार्ट मैंने छोड़ दिया है, ठीक, मैंने केवल पॉजिटिव पार्ट को लेकर के वर्क कर रहा हूं क्योंकि वो वास्तव में एक विशेष कंडीशन में काम करेगा जब आप देखोगे, तो मैंने केवल LM का धनात्मक स्लोप वाला पार्ट ले लिया है। तो जहां पर IAS और LM दोनों एक दूसरे को कट करेंगे दैट इज कॉल्ड पॉइंट ई पॉइंट, यहां पर देखिए IAS और LM दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और यहीं पर अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, संतुलन में हो जाती है और संतुलित ब्याज की दर OR हो जाती है तथा नेशनल इनकम OI हो जाती है। ये है अर्थव्यवस्था में संतुलित ब्याज की दर तथा राष्ट्रीय आय, यानी अर्थव्यवस्था में OR आपका इंटरेस्ट रेट होगा और आपका OY विल बी नेशनल इनकम होगी, क्लियर। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति बदलती रहती है, वित्तीय नीति हमारी बदलती रहती है, अगर एक नीति में परिवर्तन होगा तो क्या होगा,
चलिए फर्स्ट हम ले लेते हैं, यदि आपके देश में वित्तीय नीति में कोई परिवर्तन आ जाता है, मौद्रिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं आता, वित्तीय नीति में सरकार ने क्या किया कि उद्योगों पर टैक्स कम कर दिया, लो टैक्स कम कर दिया, सरकार ने क्या किया रॉ मटेरियल के लिए सब्सिडी दे दिया, लो सब्सिडी आ गई, तो उसके परिणाम स्वरूप जब टैक्स कम हो जाएगा, सब्सिडी प्रोवाइड होगी, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो हमारे आईएस रेखा दाहिनी ओर खिसक जाएगी, शिफ्टेड टू द राइट साइड हो जाएगी। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में सरकार ढील दे देती है कि नहीं निवेश बढ़ा सकते हो, बचत बढ़ा सकते हो, तो उसके परिणाम स्वरूप आईएस रेखा दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाती है। ये आपकी आईएस है, ये आपकी एलएम है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ओआर था जो पहले हम पिछले देखे हैं, ये नेशनल इनकम थी, अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था। जब अर्थव्यवस्था में सरकार ने क्या किया, ऐसी वित्तीय नीति बनाई जिसके परिणाम स्वरूप लोग ज्यादा बचत तथा निवेश करने लगे, तो आईएस शिफ्ट होकर के आईएस वन हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ईवन हमें मिल जाता है। अब ब्याज की दर बढ़कर के कितनी हो जाती है, ओआर वन हो जाती है, तथा नेशनल इनकम बढ़कर के ओवाई वन हो जाएगी। तो फर्स्ट रिजल्ट याद रखना, जब अर्थव्यवस्था में आईएस बढ़ेगा और एलएम कांस्टेंट रहेगा तो ब्याज की दरें बढ़ेंगी और नेशनल इनकम बढ़ेगी। ये याद रखना, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यदि आईएस दाहिनी ओर शिफ्ट हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर आईएस बाईं ओर शिफ्ट हो, सरकार एक काम कर दे टाइट पॉलिसी कर दे, नहीं टैक्स बढ़ा दे, तो ये आईएस बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, और आईएस बाईं ओर शिफ्ट होने से ब्याज की दर घट जाएगी और नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो अगर आईएस रेखा क्या होती है, राइट साइड, वो लेफ्ट, अभी तो राइट साइड में यहाँ पे शिफ्ट हुई, ये राइट साइड थे, अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए तो उससे ब्याज की दर कम हो जाएगी और नेशनल इनकम भी कम होगी। ये आपको रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे एग्जाम्स के लिए। अगर एलएम में परिवर्तन आ जाए, सरकार कोई मौद्रिक नीति में परिवर्तन कर दे, कोई मान लीजिए मौद्रिक नीति में परिवर्तन कर दे तो क्या होगा, यानी अर्थव्यवस्था में मान लीजिए मुद्रा प्रसार की नीति अपना ले, अर्थव्यवस्था में ज्यादा मनी सर्कुलेट करना चाहे, चाहता कि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चीले हो जाए ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, तो अर्थव्यवस्था में चीप मनी पॉलिसी या सस्ती मुद्रा नीति के कारण अर्थव्यवस्था में जो आपका एलएम रेखा होती है वो दाहिनी ओर शिफ्ट होगी, एलएम शिफ्टेड टू द राइट साइड। एलएम कहां शिफ्ट होगी, राइट साइड शिफ्ट होगी, और एलएम यहां से शिफ्ट होकर के हो जाएगी एलएम। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, ओआर वन, और नेशनल इनकम ओवाई वन, जब ये शिफ्ट होकर के ई से ई वन पे आ जाएगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ई वन हो जाएगा, जिसे डॉटेड रेखा एलएम वन को जो शिफ्टेड के बाद दिखा रही है, तो आप अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी, बट नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो रिजल्ट क्या निकले, यदि एलएम राइट साइड शिफ्ट होगी तो ब्याज की दर कम होगी। देखिए आप यहां देख सकते हैं, और नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। ये आपको रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए दोनों में परिवर्तन, क्योंकि सरकार मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति दोनों एक साथ बनाती है, अगर सरकार ने टैक्स कम कर दिया, उधर एक तरफ तो टैक्स कम कर दिया सरकार ने, और दूसरी तरफ ब्याज की दर भी कम हो गई, या अर्थव्यवस्था में उसने क्या किया कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार ज्यादा कर दिया, या अर्थव्यवस्था में अदर कारण कर दिया जिससे लोगों के हाथ में लिक्विडिटी ज्यादा आ गई, तो उससे आपका आईएस, ये बेसिक है आईएस, ये एलएम बेसिक है, प्रारंभिक इक्विलिब्रियम पॉइंट ई वन है, ब्याज की दर ओआर वन है, और अर्थव्यवस्था में आपका ये आपका नेशनल इनकम ओआई है। जब अर्थव्यवस्था में आईएस रेखा शिफ्ट होकर के आईएस वन हो जाती है, ये जो डॉटेड रेखा से दिखा रहे हैं, और एलएम शिफ्ट होकर के दाहिने शिफ्ट होकर के एलएम वन हो जाती है, सॉरी ये बढ़ गई है, तो ये हम यहां से यहां आ गए, तो एलएम देखिए यहां से यहां आ गए, आईएस यहां से यहां आ गए, तो न्यू इक्विलिब्रियम हमको पॉइंट कहां मिल जाता है, ई वन से ई टू, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा।
और हमारे पास नेशनल इनकम OY से बढ़ करके नेशनल इनकम कितनी हो जाती है OY1। तो इस दशा में ब्याज की दर में परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। अगर दोनों परिवर्तित होते हैं, नो चेंज, ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन नेशनल इनकम पहले से बढ़ जाएगी, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में अगर IS और LM दोनों में परिवर्तन होता, सरकार की अगर बैलेंस पॉलिसी है वित्तीय नीतियों के संदर्भ में और मौद्रिक नीतियों के संदर्भ में, तो ऑटोमेटिक है विदाउट ब्याज की वृद्धि में राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। ये एक प्रकार का ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम काम करेगा। तो मित्रों, ये हमारा था आज का ISLM मॉडल। हमने इसके सारे वस्तु बाजार का कंपोनेंट्स, मुद्रा बाजार के कंपोनेंट्स और दोनों में शिफ्टिंग को आपको अलग अलग करके और एक साथ करके दिखाए और ब्याज की दर तथा राष्ट्रीय आय में क्या परिवर्तन होगा इसको आपको समझाए। शायद हमको उम्मीद है कि आपको एग्जाम्स में काफी हेल्प मिलेगी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।